हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आज मैं देखना जा रहा हूँ ये R15 ये मॉडल का मैंने नया चेन और चेन स्पोकेट टोटली सेट करने जा रहा हूँ। और सेट करने के टाइम आपको एक चीज़ देखना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए इसमें जो अलग लॉक भी मिलता है, देखिए आपको देखा जा रहा है ये लॉक टोटली बाहर करके आपको देखना चाहता हूँ इसमें कौन सा चीज़ है। और उसके बाद एक सेट भी कैसे होता है, देखिए सोने का काम तो हो गया, अभी से बाहर करने का काम बाकी है। देखिए बाहर हो भी गया है। इसमें आपको देखिए चार ओरिंग, इधर दो और एक पत्ती। इसमें एक चीज़ देखने को नहीं मिल रहा है, जो लॉक होता है जो प्लस के जरिए से लॉक सेट होता है वो लॉक देखने को नहीं मिल रहा है, तो वो गायब है। तो गायब नहीं है दोस्तों, ये ऐसे सेट होता है। तो ये कैसे सेट करना है वो देखना चाहता हूँ। तो मेरे को फास्ट क्या करना है, ये तो ऐसे सेट कर लेना है। देखिए ये सेट हो गया। उसके बाद दो ओरिंग मिडिल पोजीशन से आराम से सेट कर लेना है। और एक ये दोनों सेट हो गया। उसके बाद ये पत्ती को देना है। पत्ती देने के टाइम आपको देख लेना है इसमें लिखा, एक साइड में लिखा रहता है, ये लिखा बाहर की तरफ होना चाहिए और दूसरा साइड प्लेन रहता है। तो अभी ये बाहर की तरफ मैंने दिया हूँ, आपको वो देखना चाहता हूँ। देखिए लिखा दिखाई दे रहा है दोस्त। तो ये देखिए ये बाहर की तरफ ऐसे देना है। उसके बाद देखिए ऐसे दबाना है आराम से। देखिए एक साइड दूसरा साइड जा रहा है। उसके बाद ये पूरा जाएगा और ये बाहर की तरफ ये जो लॉक सेम वैसे होना चाहिए, नहीं तो ये चलते वक्त बाहर आने का चांस रहता है, इसलिए तो इस तरह दबाना है। और उसके बाद आपको कैसे सेम करना है वो देखना चाहता हूँ। और थोड़ा अंदर की तरफ ये रबर का जो ओरिंग रहता है उसकी वजह से थोड़ा टाइट रहता है। और इस तरह से आराम से दबा देना है। देखिए और भी बाहर की तरफ आएगा। तो इस तरह थोड़ा दबा के बाहर की तरफ कर लेता हूँ। उसके बाद आपको ये लॉक कैसे करना है वो देखना चाहता हूँ। देखिए दोस्त ये कितना बाहर आया है, आपको दिखाई दे रहा है, ये बहुत ही बाहर आया है। और ये थोड़ा और बाहर की तरफ ले आना है, उसके बाद इसको लॉक करना है। तो और थोड़ा बाहर ले आता हूँ। देखिए दोस्त अभी लॉक कैसे करना है, मैंने एक इसके अंदर छोटा सा बॉल डाला हूँ और इधर मेरे को ये होल को लॉक करना है उस साइड में। तो देखिए इस तरह से एक टूल से मेरे को ये होल को लॉक करना है, ये होल को देखिए ऐसे लॉक करने जा रहा हूँ, पकड़ो। और ये होल बराबर से टाइट करना है और टाइट करने से ये हो जाएगा। और ये करने के बाद भी देखना चाहता हूँ कि ये होने वाला है। देखिए अभी लॉक हो चुका है, आपको दिखाई दे रहा है बस ये लॉक हो चुका है। सेम दूसरा भी उसी तरह करना है, नहीं तो ये बाहर आएगा। अभी ये करने के बाद आपको देखना चाहता हूँ ये बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो भी आपको देखना चाहता हूँ। तो ये कर लेता हूँ, उसके बाद देखना चाहता हूँ। देखिए दोस्त ये लॉक हो चुका है दोनों तरफ ही, आपको देखे दे रहे ये होल्ड देख के पता चल रहा है। तो दोस्तों ये अभी ये बाहर आएगा नहीं, ये लॉक ये जैसे तैसे करने से भी बाहर आएगा नहीं। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो के ज़रिए से थोड़ा बहुत जितना जानकारी बताने की कोशिश की वो ज़रूरी अच्छा लगा होगा। आज इतने बस, ओके बाय दोस्तों।